इंडिया में समर का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे मौसम में हम इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हर किसी के मुंह से एक ही आवाज आती है, अरे गर्मी। और ऐसी गर्मी के मौसम में हर किसी को ठंडी चीज खाने की इच्छा हो जाती है। और ऐसी ठंडी चीज और कहां मिलेगी, हमारे प्यारे दुलारे रेफ्रिजरेटर्स में। तो हमारा मानना यह है कि आपके पुराने रेफ्रिजरेटर्स को बाय कर दो और इन नए रेफ्रिजरेटर्स को बाय कर लो। तो नया रेफ्रिजरेटर लेने से पहले कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉस्ट, ब्रांड्स, एनर्जी सेविंग्स, अदर रिक्वायरमेंट्स और कई सारे फैक्टर्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर। और वीडियो के एंड में हम आपको टॉप 10 रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बढ़ते हैं हमारे पहले फैक्टर की तरफ, जो है कैपेसिटी। एक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी डिफाइन करता है कि आप उसमें कितना फूड स्टोर कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली के नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके लिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी होगी अप टू 100 लीटर्स, और अगर आप 2-3 लोगों की फैमिली हो तो आपके लिए परफेक्ट कैपेसिटी होगी 150-250 लीटर्स, और 3-5 के लिए 250-360 लीटर्स, और 5-6 पीपल के लिए 360-500 लीटर्स, और अगर आप 6 से ज्यादा लोग हो तो आपके लिए 500-850 लीटर्स की कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर्स परफेक्ट होंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ, जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। और ये फैक्टर टोटली डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट एंड यूजेज के ऊपर। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर परफेक्ट होता है 2 लोगों के लिए, और ये फ्रिज 80-20 के रेशियो में डिवाइडेड होता है, जिसमें 80% फ्रिज होता है एंड 20% फ्रीजर होता है, और ये कंपैरेटिवली साइज में काफी स्मॉल होता है। सेकंड नंबर पे है डबल डोर रेफ्रिजरेटर। सो 2 डोर रेफ्रिजरेटर्स काफी फेमस है अमंग इंडियंस बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। और इस रेफ्रिजरेटर्स को 2 डोर्स होते हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट होता है फ्रिज के लिए और दूसरा कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर के लिए। और ऐसे रेफ्रिजरेटर्स यूजुअली 2 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसमें आता है टॉप माउंट फ्रीजर एंड बॉटम माउंट फ्रीजर। टॉप माउंट फ्रीजर में आपको फ्रीजर ऊपर की साइड मिलेगा एंड फ्रिज नीचे, वेरस बॉटम माउंट फ्रीजर में आपको फ्रीजर नीचे मिलेगा एंड फ्रिज ऊपर के साइड मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है 3 डोर रेफ्रिजरेटर। तो ऐसे टाइप के रेफ्रिजरेटर्स में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप वाला होता है वो फ्रीजर के लिए होता है, मिडिल वाला फ्रिज के लिए होता है, एंड बॉटम वाला वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ग्रोसरीज के लिए यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर। ये यूजुअली एक कबर्ड जैसा होता है विद 2 हैंडल्स, और ऐसे टाइप के रेफ्रिजरेटर्स यूजुअली सूटेबल होते हैं बड़ी फैमिलीज के लिए। और इसमें एक वाटर एंड आइस डिस्पेंसर होता है, जिससे आपको वाटर एंड आइस इजीली अवेलेबल हो जाता है विदाउट ओपनिंग द डोर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर। तो फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर में काफी हाई कैपेसिटी स्टोरेज होती है, प्लस इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है जो अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। और इनकी यूनिक बात यह है कि इनकी इनर वॉल्स थिन होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा स्टोरेज अवेलेबल हो जाती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन है मिनी रेफ्रिजरेटर्स। तो मिनी रेफ्रिजरेटर इज यूजुअली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। सो मिनी रेफ्रिजरेटर्स आर यूजुअली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स जो सिर्फ सिलेक्टेड आइटम्स यूज करते हैं, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर चिलिंग वाटर, मिल्क और एनी अदर ड्रिंक्स। तो चलिए जानते हैं विच ब्रांड इज द बेस्ट फॉर रेफ्रिजरेटर्स। सो इंडिया में लीडिंग ब्रांड्स है LG, Samsung, Haier, Whirlpool, Bosch, Labour, Hitachi एंड मेनी मोर। बट LG इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स, whereas Samsung इज नोन फॉर its इनोवेशन। और आप इन ब्रांड्स में से कोई भी ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द बेस्ट प्राइस फॉर रेफ्रिजरेटर्स। सो रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट अराउंड 10,000-1,00,000 तक पहुंच जाती है, बट अगर आप अच्छे क्वालिटी का मेगा रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हो देन यू शुड गो फॉर इट, एज इट इज अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। तो चलिए रेफ्रिजरेटर टाइप्स एंड उनके एस्टिमेटेड प्राइस रेंज के बारे में जानते हैं। सो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स की प्राइस जाती है अराउंड 10,000-15,000 रुपीज, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स की प्राइस जाती है अराउंड 20,000-35,000 रुपीज, ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स की प्राइस जाती है अराउंड 25,000-35,000 रुपीज, साइड बाय साइड डोर्स की प्राइस जाती है अराउंड 35,000-1,00,000 रुपीज। सो ये होता है प्राइस रेंज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एंड डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर। सो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है लेस एनर्जी सेविंग्स, whereas डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलते हैं मोर एनर्जी सेविंग्स। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलते हैं मोर फूड प्रिजर्वेशन, whereas डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है लेस फूड प्रिजर्वेशन। इस ऑप्शन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट, whereas डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है मैनुअल डीफ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग, whereas डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फैन कूलिंग। सो ये था डिफरेंस बिटवीन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एंड डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। तो चलिए जानते हैं आपको कौन सी रेटिंग का रेफ्रिजरेटर बाय करना चाहिए। सो रेफ्रिजरेटर्स का पावर कंजम्पशन इज रेटेड बाय BEE, दैट
दैट इज ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, और इसमें रेटिंग्स आते हैं 1 to 5 stars, और जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा सेविंग्स। सो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप 3 to 5 stars वाला रेफ्रिजरेटर लें जो आपको ज्यादा एनर्जी सेविंग्स देगा। अगर आप कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स एंड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं ये जानना चाहते हो तो आप हमारा आर्टिकल रेफर कर सकते हो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बढ़ते हमारे मेन टॉपिक की तरफ जो है टॉप 10 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया इन 2022। सो पहले नंबर पे है LG 360 लीटर 3-star इन्वर्टर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, और सेकंड नंबर पे है व्हर्लपूल 260 लीटर फ्रॉस्ट फ्री ट्रिपल डोर प्रोटॉन सीरीज रेफ्रिजरेटर, थर्ड नंबर पे है सैमसंग 244 लीटर 3-star इन्वर्टर डबल डोर रेफ्रिजरेटर विद कर्ड माइस्ट्रो, नेक्स्ट है गोदरेज 260 लीटर डबल डोर 3-star 6-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, उसके बाद है हायर 256 लीटर 3-star इन्वर्टर कन्वर्टेबल बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर, फिर आता है सैमसंग 673 लीटर फैमिली हब साइड बाय साइड स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, उसके बाद आता है बॉश 327 लीटर 3-star इन्वर्टर फ्रॉस्ट फिट डबल डोर रेफ्रिजरेटर, फिर आता है LG 190 लीटर सिंगल डोर 4-star इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, उसके बाद आता है व्हर्लपूल 190 लीटर 4-star इन्वर्टर डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, और लास्ट नंबर पे है Amazon Basics का 564 लीटर साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर विद वाटर डिस्पेंसर। तो ये थे हमारे टॉप 10 रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारा आर्टिकल रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने इनके कई सारे फैक्टर्स जैसे कि कैपेसिटी, ब्रांड, इनके रेटिंग्स और ऐसे कई सारे फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स एंड ब्रांड्स जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल देसी टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे धमाकेदार डील्स, लूट ऑफर्स एंड कूपन कोड्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आते हैं ऐसे धमाकेदार टॉप 10 एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हर हफ्ते, तो उसके लिए हमारे चैनल देसी टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय।